हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दाऊद व्लॉग्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने मेरे दूसरे बच्चे को दिखाया था आप लोगों को, और मैंने अभी तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं करा है। सो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। सो इस वीडियो में मैं आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली इसका बॉर्न जो है 15 नवंबर को हुआ था, बट मैंने सोचा था कि उस टाइम पे डेली व्लॉग्स बनाऊंगी, डेली अपडेट आप लोगों को देती रहूंगी, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था सडनली कि आप लोगों को पता ही है, मैंने इसके बारे में बताया था ऑलरेडी कि अंश का एक्सीडेंट हो गया था। और जो नए हैं, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, अगर उन लोगों को नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो एक्सीडेंट होने की वजह से मैंने खुद का ध्यान ही नहीं दिया था कि अंश का ही पूरा टेंशन था, ना खुद का खाना पानी सोने का कोई भी ठिकाना नहीं था, कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही थी उसकी। अंश का ज़्यादा टेंशन हो रहा था मुझे कि कैसे जल्दी ठीक हो जाएगा, कैसे नॉर्मल हो जाएगा। अभी कोई भी माँ को अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली माँ को ही ज़्यादा टेंशन होता है, खुद को क्या ध्यान देगी वो जब बच्चे को ऐसा कुछ हो जाए। तो इसी प्रोसेस में 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी मेरी, तो मैंने खुद पे ध्यान ही नहीं दिया था, पूरा ध्यान कि अंश पे ही था, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पाई। देखिए कितना क्यूट सा बेबी है, और मेरी मम्मी इसको फार्मूला फीड करा रही है, फार्मूला मिल्क। बस ये 3 दिन का ही है, बहुत ही क्यूट है। एक्चुअली उस समय ऐसा था ना कि मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भूल ही गई थी, बस कियांश का इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था, उसको डेली 2 डेज में एक बार हॉस्पिटल में विजिट था, हॉस्पिटल लेके जाना, और बेड रेस्ट ही था उसका पूरा, बेड पे सब कुछ करना था उसको मुझे। तो रात को उसको नींद भी नहीं आती थी, मैं भी उसके साथ जागरण करती थी, बेचारे को बहुत पेन होता था। और उसको देख के मुझे भी, मतलब मैं महसूस कर सकती हूँ, कोई भी माँ अपने बच्चे का जो भी दर्द होता है महसूस कर सकते हैं। मैं ये भी भूल गई कि मेरे पेट में दूसरा भी बच्चा है, मैं तो ये भी इतना भी ध्यान नहीं था। मैं सोची थी कि जो आँखों के सामने जो बच्चा है पहले मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी करूँ, क्योंकि मैं उसको ऐसे सिचुएशन में देख नहीं सकती थी। जब मैंने खुद का ध्यान तो मैं भूल ही गई थी, इतनी वीक हो गई थी कि प्रेगनेंसी में जो वाटर लेवल होता है वो भी कम हो गया था, मेरा बीपी डाउन हो रहा था बार बार, और मुझे इंजेक्शन और बॉटल पे ही सर्वाइव करना पड़ा था। यहाँ तक कि अंश के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे बोला था कि भक्ति जी आप इतना टेंशन मत लीजिए, ये अंश 100% नॉर्मल हो जाएगा, बट आप अपना ध्यान दीजिए, आप वो आपके साथ और एक भी जीवन पल रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। बट एक माँ कहाँ से इतना सोच सकती है, तो मैं बस उसके बारे में सोच रही थी। और यहाँ तक कि मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थे प्रेगनेंसी के, उन्होंने भी मुझे 2-3 बार डांट दिया था कि आप अपना केयर नहीं कर रहे हो, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती, और कभी भी अबॉर्शन हो सकता है अगर आप अपने पे ध्यान नहीं दोगे। बस उसने मुझे बेड रेस्ट ही कहा था, बट बेड रेस्ट कहाँ पर हो पाएगा, मैंने बेड रेस्ट वगैरह कुछ किया नहीं था, बस उसको 24 आवर्स केयर करती रही। और आना जाना तो मेरा चालू ही था, हम लोग रहते हैं 3rd फ्लोर पे, और 2nd फ्लोर पे रहते हैं, अप डाउन तो मेरा डेली था। और दवाई का ठिकाना नहीं, ना खाने का ठिकाना नहीं, ना नींद का नहीं, कुछ भी नहीं था, बस मैं बॉटल और इंजेक्शन लेती रही टाइम पे, बस मैं बॉटल और इंजेक्शन टाइम पे लेती रही। 8 मंथ की मेरी ये जो स्ट्रगल थी वो तो मेरा खुद का भी चालू था, उनके अंश का भी चालू ही था। फिर फाइनली वो दिन, मतलब मेरे साथ मैं सर्वाइव कर रही थी कि अंश भी सर्वाइव कर रहा था, और हम लोगों के साथ साथ जो पेट में, जो मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी सर्वाइव कर रहा था। बट फाइनली वो दिन आ गया 15th नवंबर, ये क्यूट सा जो बेबी बॉय है उसने इतना सारा स्ट्रगलिंग फेस किया मेरे साथ साथ। कहते हैं ना कि जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है उसकी जो भी फीलिंग्स होती है वो अंदर जो बच्चा रहता है वो भी महसूस कर सकता है, तो वही मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ साथ उसने भी ये पूरा सर्वाइव किया है, पूरा जो भी कठिनाई थी उसने भी, हम लोगों के साथ साथ उसने भी सब कुछ सहा है। और फाइनली 15 नवंबर को इस सुंदर से दुनिया में उसने कदम रखा। एक्चुअली हम लोगों को लगा था कि लड़की चाहिए थी, ऐसा फील हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी एक कियांश था और एक लड़की भी होनी चाहिए थी, बट भगवान ने
खुश है और देखिए कितना सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। इसने भी बहुत कुछ देखा है और कठिनाइयों को पार करके इसने जीत हासिल की, ऐसा तो मैं सोचती हूँ। अभी तो कियांश भी नॉर्मल हो चुका है, उसने भी बहुत कुछ सर्वाइव किया है, तो मैं उसको भी उसका भी एक वीडियो उसके बारे में बताऊँगी। सो गाइस, ये क्यूट सा बेबी बॉय सेकंड चाइल्ड है मेरा और हम लोगों के साथ साथ इसने भी बहुत कुछ जर्नी किया है और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि ऐसे सिचुएशन से इसने जीत हासिल की है। कियांश ने भी सब कुछ सह के उसने भी जीत हासिल की है, तो बस। और इसका जो नेम है इस वीडियो में अभी मैं रिवील नहीं करने वाली हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक, क्योंकि इसका हम लोग ने नेमिंग सेरेमनी भी किया है, तो मैं उस वीडियो में इसका क्या नाम हम लोग ने रखा है आपको बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, और आप इसी तरह आपके ब्लेसिंग्स और प्यार बनाए रखिए। अगर बेल आइकन को हिट नहीं किए तो प्लीज़ हिट कीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।